हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ संडे अपडेट की वीडियो शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए हमारे हिबिस्कस बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं, इतनी सारी कलियाँ इनमें देखिए, ढेरों कलियाँ। ये सारे मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस हैं, ये भी इसमें रेड कलर के बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर आते हैं। थोड़ा सा कलियाँ कुछ खिलती हैं, कुछ जल जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। और देखिए पूरी ब्रांच कलियों से भरी हुई है। इधर ये पर्पल हिबिस्कस है, इसमें भी ढेर सारी कलियाँ आई हुई हैं, ये देखिए। और इधर देखिए हमारा रेड हिबिस्कस जो ये वाला है, ये भी ब्लूम्स हुआ है आज और खिलते रहते हैं, एक दो फूल आते ही रहते हैं। इधर ऑरेंज वाले में भी दो फूल खिले हैं और वो सारे उधर मेरे देसी हैं, रेड कलर के हैं, कुछ ऑरेंज कलर के हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये हमारे चंपा के प्लांट है जो बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। बस फ्लावर इस समय तो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो फ्लावर जल जाते हैं दोपहर जब होती है तो, पर ये खिलते रहते हैं। एक फ्लावर ख़राब होता है तो दूसरा खिल जाता है, इस तरह से बंचस में फ्लावर इसमें खिलते रहते हैं। इधर सारे नाग चंपा में भी कलियाँ आ गई हैं, देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर सुंदर कलियाँ इसमें बढ़िया आ गई हैं, बहुत ही अच्छे से। और सभी ब्रांच पे कलियाँ आ गई हैं हर प्लांट पे। तो ये भी अब कुछ ही दिन में ब्लूमिंग करने वाले हैं। इधर हमारे सनफ्लावर में भी बर्ड्स बन गए हैं, ये देखिए। और ये सारे हमारे विंका हैं। आज मैंने विंका के बहुत सारे प्लांट रिपोर्ट किए, जो छोटे छोटे से पॉट में और पॉली बैग में लगे थे उनको मैंने आज रिपोर्ट किया है। इनमें ये सारे सीड से ग्रो हुए प्लांट हैं, कुछ के तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई, फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई, ये देखिए इधर। और इधर हमारा पेंटास भी बहुत अच्छे से ब्लूम्स कर रहा है, डेंथस में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है अभी, जबकि मैंने इनको अब बिल्कुल फर्टिलाइज़र देना, अपने गार्डन में बिल्कुल फर्टिलाइज़र देना बंद कर दिया है इस टाइम पे। लेकिन आपको बंद नहीं करना है, आप अपने प्लांट में वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र और साथ में बनाना पील फर्टिलाइज़र देते रहिए। तो मैं भी अब बना कर दूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, लगभग वन मंथ से ज़्यादा हो गया मैंने अपने गार्डन में कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया, फिर भी देखिए फ्लावरिंग हो रही है। तो काफ़ी दिनों तक कोई भी फर्टिलाइज़र हम देते हैं तो काफ़ी दिनों तक असर रहता है, उसका असर नहीं है। तो अभी भी देखिए ब्लूमिंग चल रही है, बहुत अच्छे से गार्डन में ब्लूमिंग हो रही है। इधर हमारा मोगरा देखिए पूरा फूलों से भरा हुआ है, पूरा ही फूलों से भरा हुआ है। यहाँ पर भी डेंथस में फ्लावरिंग हो रही है। इस पेंटास में मेरे आयरन की कमी हो गई है, देखिए इसकी पत्तियाँ पूरी वाइट हो गई हैं। तो इसको न्यूट्रिएंट्स और आयरन मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देंगे तो धीरे धीरे इसकी पत्तियाँ सही हो जाएंगी और ये फिर से न्यू ग्रोथ करके अच्छा हो जाएगा। तो मैंने भी अभी काफ़ी टाइम से इसको अब कुछ नहीं दिया है, रिपोर्ट किया था तभी जो फर्टिलाइजर थोड़ा बहुत ऐड किया था वही था इसमें। इसकी इस तरह से जो सूखे हुए फूल हैं उनको आप हटाते जाइए तो इसमें न्यू कलियाँ आकर के प्लांट आपका काफ़ी अच्छा घना होता जाता है। ये देखिए पुराने स्टेम फ्लावर को आप बिल्कुल हटा दीजिए प्लांट से, इसको बिल्कुल नहीं रखना है आपको। और इधर हमारा कनेर भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। और जो येलो वाले मेरे हिबिस्कस में तो इतनी सारी कलियाँ आई हुई हैं, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा कलियाँ, क्वांटिटी पूरी कलियाँ ही कलियाँ हैं, सारे प्लांट में खूब सारी ढेर सारी कलियाँ आई हुई हैं। और ये हमारा अलमंडा काफ़ी टाइम से ब्लूमिंग हो रही है, इसमें इतने दिन हो गए इसको खिलते हुए और इतनी सारी ढेर सारी कलियाँ इसमें नई बनती जा रही हैं, नए फ्लावर खिलते जा रहे हैं, काफ़ी टाइम से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और इधर हमारा देसी हिबिस्कस है, ये देखिए ये भी ब्लूम्स कर रहा है। इधर भी टिकोमा के प्लांट है, देखिए कितने सुंदर। ये अमरेलिस लिली भी काफ़ी टाइम से इसमें फूल आ रहे हैं और अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, थोड़े से ही बचे हैं कुछ ही दिनों में, सारी स्टिक इनकी लगभग खिल चुकी हैं। और इधर लेंटाना में भी अच्छी ब्लूमिंग चल रही है, इधर देखिए यहाँ पर भी। और इधर से हमारे हाइब्रिड जो पोर्चुलाका हैं, ये देखिए येलो कलर का है ये और ये पिंक कलर का है, मजेंटा कलर, बहुत ही सुंदर से हैं। येलो वाला तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, इसमें वाइट भी है शायद, ये वाला प्लांट इसका वाइट है लेकिन अभी खिला नहीं है उसमें। तो ये भी बहुत अच्छे से खिल जाते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं सुबह से जब खिल जाते हैं तो। इधर हमारा चांदनी का प्लांट है, देखिए कितनी ज़्यादा इसमें ब्लूमिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। सुबह तो काफ़ी सारे फूल हम इनके तोड़ भी लेते हैं भगवान जी के लिए। इधर भी आज मैंने कुछ फूल तोड़ लिए थे हिबिस्कस के, ये हमारे देसी हिबिस्कस, इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग चलती है, होती रहती है। और ये मिनेचर हिबिस्कस है तो फर्टिलाइज़र ना देने की वजह से देखिए अभी इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही, थोड़ी सी पत्तियाँ येलो होना स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से इनमें मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र अब नहीं दिया है। इधर हमारा पर्पल हिबिस्कस है, अलमंडा में थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग होती रहती है इस वाले बुश वाले में, और वाइन वाला तो बहुत ज़्यादा अच्छा खिलता है, वाइन वाले में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें फूल आते हैं, ये देखिए हर ब्रांच पर आपको फूल नज़र आएंगे इसके, यहाँ पर भी दिखा दो।
ये देखिए कितने सुंदर इसके फूल आ रहे थे। इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और यहाँ पर एक देखिए अपने आप ही ग्रो हो गया है सदाबहार देसी वाला, कितना अच्छा ब्लूमिंग कर रहा है। देसी वाले में तो इतने भर के फूल आते हैं और बिल्कुल फुल सनलाइट में ये बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। इधर कनेर में भी एक दो फूल आ रहे हैं, ये वाले में भी, इधर भी, ये देखिए इसमें भी आ रहे हैं। तो कनेर भी परमानेंट प्लांट की तरह है ये, वैसे बरसात में बहुत अच्छा खिलता है, मतलब गर्मी से लेकर के बरसात में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। इधर सारे रोज़ के प्लांट हैं जिनकी मैंने सबकी कलियाँ हटा दी है ताकि इनको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी देना है। काफ़ी टाइम से मैंने इन फरवरी के बाद से कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, तो वो भी थोड़ा सा देना है। तो मेरे पास वर्मी कंपोस्ट भी अभी नहीं था, इस वजह से मैं नहीं दे पाई थी कोई भी फर्टिलाइज़र इनको। और अभी आप रोज प्लांट पे ह्यूमिक एसिड दीजिए और वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, पाउडर फॉर्म में भी आप दे सकते हैं, तो इनकी ग्रोथ होती रहेगी। और फूल के लिए आप इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, फूल आने के लिए आप इसमें कुछ भी मत दीजिए आप इनकी, बल्कि कलियाँ जो आती हैं उनको हटाते जाएंगे तो आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। और जितनी अच्छी ग्रोथ ये अभी कर लेंगे उतनी ही ज़्यादा ये विंटर में फिर फ्लावरिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए जो मैंने नाग चंपा की कटिंग लगाई थी, सारी कटिंग कितनी अच्छी हेल्दी ग्रो हो गई हैं, बस इनको रीपोर्ट करना है। लेकिन ये बहुत सारे प्लांट हैं तो मैं इनको रीपोर्ट करूँगी, लेकिन बाद में करूँगी, शायद रेनी सीजन में करूँ, अभी क्योंकि नहीं करूँगी। अभी करूँगी तो हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए। ये देखिए इधर सलमंडा कितना सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल फूलों से भरा हुआ, बहुत ही प्यारा सा। और इधर हमारा पारिजात का प्लांट है, ये भी बिल्कुल ओपन सन में रहता है, पूरे दिन भर की सनलाइट इसमें लगती है, और अभी देखिए फिर भी कितना अच्छा हेल्दी है ये। यहाँ पर देखिए हमारे पर्सलेन और पोर्चुलागा कितने अच्छे ब्लूमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर। इसमें सुबह सुबह से ही फूल खिल जाते हैं, लगभग 9 बजे से इसमें बहुत अच्छे फ्लावर आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और देखिए इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है कि इनकी पत्तियाँ तक यानी स्टेम तक रेड हो गई है, लेकिन फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करता है। देखिए कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में इसमें फूल आते हैं, रेड वाला तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। रेड वाला मेरे पास इस बार बहुत ज़्यादा हो गया है, पिछले साल मेरे पास सिर्फ 2-3 ब्रांच ही थी इसकी, पर इस बार मैंने कई गमलों में इनको लगाया है मिक्स एंड मैच करके, तो ये पिंक और रेड के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा खिलता है। इधर सारे पर्सलेन है ये देखिए, और यहाँ पर कैनल इलिम भी फ्लावरिंग हो रही है, बस खिलते हैं फूल सूख जाते हैं, बहुत ही सुंदर। देखिए यहाँ पर भी कितनी सारी कलियाँ भी आई हुई हैं, और ये देखिए विनका बिल्कुल फूलों से भरा हुआ। इधर भी पर्सलेन है। तो इस तरह से हमारा गार्डन इस समय दिख रहा है मई की तपती हुई गर्मी में, बिल्कुल फूलों से भरा हुआ, फूल बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। जबकि मैंने आपको बताया मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, जब भी मैं देती हूँ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से फर्टिलाइज़र नहीं दिया किसी भी प्लांट में। तो आप देते रहिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप दीजिए, बनाना पील का दे सकते हैं, पोटैटो ऑनियन पील्स का दे सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा गार्डन अभी इस कंडीशन में दिख रहा है। कुछ एक प्लांट भी काफ़ी अच्छे हेल्दी होंगे, ये सिर्फ 5-5 इंच के पॉट में लगे हैं, तो ये ज़्यादा बड़ा साइज़ इनका नहीं होगा, लेकिन ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। और मैं बहुत ज़्यादा बड़ा इनको नहीं कर लगाया मैंने, बहुत बड़े बड़े गमले में छोटे छोटे में ही लगाया, क्योंकि मुझे बस थोड़ा सा इनका अपने गार्डन में ऐड करना था। बहुत बड़े बड़े पॉट में लगा दूँगी तो रखने उठाने में दिक्कत होती है, और यहाँ पर रास्ता भी बहुत ज़्यादा जाम हो जाएगा पूरा, तो उसी वजह से मैंने छोटे पॉट में लगा के यहीं पर इनको शिफ्ट कर दिया है। तो काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रो हो रहे हैं, और थोड़े और अभी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है अभी इनकी ग्रोथ होगी। और जब से मैंने इनको लगाया कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया, सिर्फ नॉर्मल मिट्टी में मैंने इनको लगा दिया था, जो हमारी विंटर की प्लांट की मिट्टी थी उसे मैंने जितने अपने विनका रिपोर्ट किए हैं उसी में किए हैं, कोई भी खाद नहीं ऐड किया है, और उसी में मैंने ये कोचिया भी लगाए थे। इधर भी लेंटाना देखे बहुत अच्छे से ब्लूम्स कर रहा है। तो इस तरह से हमारा गार्डन हिबिस्कस में बहुत अच्छी क्वान्टिटी में फूल आ रहे हैं, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो और ये तो अलमंडा है, ये देखिए नीचे से एक लंबी स्टेम है, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा ठीक है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, ये बहुत ही प्यारा सा है। तो इस तरह से जितना भी यहाँ का जो भी एरिया है काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरा फूलों से भरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बहुत सारे चांदनी में भी इतनी सारी ढेरों बर्ड्स आई हैं, पता नहीं वो खिलती हैं या नहीं खिल रही हैं, अभी वैसे खिल नहीं रही हैं, सारी बर्ड्स आई हुई हैं, बहुत सारी आई हैं। और तो इसी तरह से हमारा गार्डन अभी चल रहा है, बस मैं इनमें दोनों टाइम अच्छे से पानी देती हूँ, पानी ऊपर से नहला करके पानी देती हूँ, और मेरी जो सॉइल इतनी ज़्यादा वेल ड्रेन है कि पानी इनमें रुकता नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। अगर आपने ज़्यादा अच्छी वेल ड्रेन सॉइल नहीं की है तो आप गमले की मिट्टी में दोनों टाइम पानी ना दे करके सिर्फ पत्तों पर ही स्प्रे करिए। और मैं तो विनका में भी कर देती हूँ, आपने देखा होगा मैंने कल परसों वाटरिंग जो दिखाई थी सब में बराबर से पानी पड़ जाता है, फिर भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो प्लांट हेल्दी होते हैं, उनकी सॉइल अच्छी होती है तो प्लांट हमारे बहुत ही अच्छे हेल्दी ग्रो होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा थर्ड फ्लोर का भी ओवरव्यू दे देती हूँ,
और बहुत ज़्यादा कुछ नया ऐड नहीं किया है मैंने अपने गार्डन में, बस जो चल रहा है वही चल रहा है। तो हमारे सारे जेड प्लांट रखे हुए हैं जो मैंने सारे ही कटिंग से ग्रो किए थे। इधर मेरे सारे एडेनियम हैं, ये देखिए आज इनमें मैंने पानी नहीं दिया है। वैसे एडेनियम में आप शाम को पानी दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है इनके लिए। इधर ये हिबिस्कस भी है जो कि कभी खिलता है, कभी इसकी कलियाँ बिना खिले ही सूख जाती हैं, क्योंकि ढेरों इसमें कलियाँ हैं और सारी कलियों के लिए इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मैंने इसको कुछ नहीं दिया है। आज तो गमले की मिट्टी भी सूख गई है, तो मैं इसको आज अच्छे से भर के पानी दूँगी। और इधर हमारे जेड प्लांट हैं और इनकी भी प्रूनिंग करनी है थोड़ी थोड़ी सी, काफ़ी लंबी लंबी सी इनकी स्टिक हो गई हैं। और इधर कुछ सकुलेंट हैं मेरे, वैसे मैंने बाकी तो छाया में उठा के रख दिए थे, कल इनको मैंने यहीं पे छोड़ दिया था। इधर भी कुछ रखे हुए हैं और इधर हमारे सारे कोलियस हैं। मैंने इसी तरह से बंच बना करके रखा हुआ है अपने प्लांट को, ताकि एक ग्रुप में रहते हैं तो इनको धूप भी कम लगती है और साथ में ये हेल्दी रहते हैं। इधर मैंने ब्लीडिंग हार्ट को उठा कर यहाँ छाया में रख लिया, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हो रही थी, तो ब्लीडिंग हार्ट को बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए मैंने इसे छाया में रख लिया है। अब देखते हैं इसमें कब तक में फ्लावर आएंगे। और मैंने बहुत ज़्यादा कुछ खास फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया था, उसी टाइम दिया था जो भी दिया था, वर्मी कंपोस्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी कर ली है, बस अभी फ्लावरिंग होनी बाकी है इसकी। और इधर हमारी एडेनियम की सीडलिंग है थोड़ी सी, और यहाँ पर हमारे इंडोर प्लांट के साथ साथ सारे सकुलेंट भी हैं, जिनके अपडेट भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहीं पर मैंने इनको उठा के रखा हुआ है। अब ये यहीं पर धीरे धीरे जैसे भी होगा चलते रहेंगे, जब तक चलते रहेंगे देखती हूँ कब तक चलते हैं। तो थोड़ी सी केयर अभी ज़रूरी है इनकी, ज़्यादा तेज़ धूप में आप इनको छोड़ देंगे तो ख़राब हो जाएंगे। और पानी भी बहुत ज़्यादा आप मत दीजिएगा, पानी भी थोड़ा सा ध्यान दे के देना है। और इधर हमारी सारी हैंगिंग बास्केट है, देखिए ट्रेंगल हार्ट है, टर्टल वाइन है, ये वाइंडिंग जीव है, और इस तरह से चल रहे हैं। इधर सारे हमारे कलैंचो के प्लांट हैं, जिनकी अब थोड़ी सी कंडीशन ख़राब हो रही है, क्योंकि यहाँ पे धूप भी बहुत तेज़ लग जाती है और थोड़ा सा प्लांट भी लंबे से हो रहे हैं। तो इनकी मैं कटिंग लगा लूँगी बाद में, और प्लांट की जितने भी यहाँ पे प्लांट हैं सभी की कटिंग लगा करके अलग से एक नया गमला तैयार कर लूँगी। इधर सारी हमारी एडेनियम की सीडलिंग है जो काफ़ी अच्छी हेल्दी ग्रो हो रही है। ये मैंने कुछ जीनिया सीड के सीड ग्रो किए थे एक ही गमले में, देखिए कितने सारे सीड ग्रो हुए हैं, इसमें बर्ड्स भी आनी शुरू हो गई हैं। और अब मैं सोच रही हूँ इनको रीपॉट करूँ या इसी में मैं इनको खिलने दूँ, तो या तो मैं इसको बड़े पॉट में ऐसे ही लगा दूँगी तो ये सारे प्लांट एक साथ खिलें, क्योंकि इनकी ज़्यादा लाइफ होती नहीं है, बस इधर उधर प्लांटेशन कर करके डिस्टर्ब बस होते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ इसको मैं इसी में रहने दूँ, एक बड़े से पॉट में पूरा रूट बॉल से निकाल करके पूरा लगा दूँगी तो अच्छा होगा, शायद उसी में अच्छे से ग्रो करे। इधर भी सारी सीडलिंग है हमारी एडेनियम की, और ये देखिए कुछ अब प्लांट भी हैं इधर, जो बड़े प्लांट हैं वो भी हैं साथ में। इधर सारे ग्राफ्टेड प्लांट हैं जो मैंने ही ग्राफ्ट किए थे, ये देखिए सारे इधर ग्राफ्टेड प्लांट हैं मेरे। और देखिए ये आते हैं हमारे गार्डन में पॉलिनेशन करने। और इधर देखिए हमारा जो ये भी ग्राफ्ट किया प्लांट है, मुझे लगा था मैंने चारों में अलग अलग ग्राफ्टिंग की है, लेकिन नहीं, मैंने चारों ब्रांच पर एक ही सेम प्लांट की ग्राफ्टिंग की थी और चारों में सेम कलर की कलियाँ और फ्लावर आ रहे हैं। देखिए कितने सुंदर इनके फ्लावर हैं, रोजी बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल से, बिल्कुल गुलाब से भी ज़्यादा सुंदर इसके फूल, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं इसके फूल एडेनियम के। और ये इसका मदर प्लांट है, इसी के ब्रांच को लेकर मैंने इसमें ग्राफ्ट किया था, लेकिन इसके फ्लावर लाइट कलर के आते हैं और जो मैंने ग्राफ्ट किया था उसमें बहुत सुंदर बिग साइज़ के फ्लावर आते हैं और डार्क कलर के आते हैं। इधर देखिए हमारा जो मिस इंडिया वेराइटी का प्लांट है, इस प्लांट की ग्राफ्टिंग मैंने अपने दो तीन प्लांट में और की है, जिसमें देखिए कलियाँ आ गई हैं और ये बहुत ज़्यादा बंचेस में कलियाँ आती हैं, बहुत ही ढेरों फूल खिलते हैं इसमें और पूरे साल ही परमानेंट फ्लावरिंग करता है, कभी मतलब विंटर में भी फ्लावरिंग करता रहता है। तो ये मेरे पास ये मेरे कटिंग से ग्रो हुए प्लांट हैं और जिनमें मैंने ये ग्राफ्ट किया है, ये भी कटिंग से लगा हुआ है, ये भी कटिंग से लगा है और ये वाला भी कटिंग से लगा है। तीन प्लांट में मैंने कटिंग वाले प्लांट में ग्राफ्टिंग की थी, बाकी सारे रूट स्टॉक हैं। तो कटिंग वाले प्लांट ज़्यादा हेल्दी हैं क्योंकि मैच्योर थे और लास्ट ईयर की ही कटिंग थी, लास्ट ईयर फाइव में मैंने ये वाली कटिंग्स लगाई थी और अभी मैंने इनको फरवरी में ग्राफ्ट किया है, मतलब एक साल के प्लांट ये हो गए थे। देखिए यहाँ पे बर्न हो रहा, तो इधर इसमें भी हो गई कलियाँ और इसमें भी आ गई हैं बाकी, और ये येलो एलम भी आ गई है, येलो वाला जो है मेरा प्लांट, ये इसका मदर प्लांट है, इसकी भी मैंने ग्राफ्टिंग की है कुछ प्लांट में। देखिए इतना ज़्यादा इसका वेट हो गया है कि इधर झुकना स्टार्ट हो गई, मुझे कुछ स्टिक लगानी पड़ेगी ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा वेट हो गया है। अभी फ्लावरिंग एक बार बर्ड्स आई थी लेकिन वो जल करके ख़त्म हो गई, दोबारा से अभी इनमें कलियाँ नहीं आई हैं। ये भी मैंने ग्राफ्ट किया अच्छे मोटे रूट स्टॉक में, ये लगभग दो साल पुराना प्लांट था जिसमें मैंने ग्राफ्टिंग की थी। और इधर सारे हमारे जो सीड से ग्रो हुए प्लांट है सारे, ये भी लास्ट ईयर के प्लांट है, लास्ट ईयर फाइव में इनको ग्रो किया था,
और अभी देखिए ग्रोथ पे ये इतने ज़्यादा ग्रोथ है, ग्रोथ कर रहे हैं अभी। और इधर हमारा देसी वाला डेनिम भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है। इधर भी रखे हुए हैं कुछ। एक का कोडेक्स बिल्कुल सिकुड़ गया था, एकदम से सूख गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, पानी नहीं दिया था, तो मैंने 2 दिन उसको पानी में इस तरह से भर के रखा। ये देखिए, अगर आपके प्लांट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप 2 दिन के लिए इस तरह पानी में रख दीजिए भर के टक्की से टब में, तो वो ठीक हो जाता है। आज ही मैंने इसको उठा के रखा है, नहीं तो 2 दिन से मैंने इसी टब में इसके साथ में ही रखा हुआ था। तो आज मैंने इसको निकाल लिया, क्योंकि इसका जो रूट बॉल था, कोडेक्स था, एकदम से फूल गया है। और इसका थोड़ा सा अभी भी लग रहा है, वैसे काफ़ी हद तक ये ठीक हो गया है। ये देखिए काफ़ी, नहीं ये भी सिकुड़ गया था एकदम से, तो काफ़ी अच्छा हो गया। अभी धीरे धीरे 1-2 दिन में ये इसी में रखा रहने दूंगी, तो काफ़ी अच्छा हेल्दी हो जाएगा ये, इसके कोडेक्स भी। तो आप कर सकते हैं, छाया में ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज धूप में मत रखिएगा। अगर आपके कोडेक्स सिकुड़ गया है तो आप उसको इस तरह से पानी में डुबा करके रख सकते हैं। इसको मैंने निकालिए क्योंकि इसका कोडेक्स अब सही हो गया है, सिर्फ 2 दिन में ये ठीक हो गया। तो कोडेक्स को पानी में डुबा कर भी ठीक किया जा सकता है, 2-3 दिन के लिए डुबाने के बाद। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर उसको नीचे से कट करके ही ठीक करना पड़ता है, जैसे कि मैंने पिछली बार किया था। ये सारे प्लांट मेरे इसी तरह से हो गए थे, जिनको मैंने पूरा रूट बॉल नीचे का कट कर दिया था, उसके बाद फिर से और रिपोर्ट किया, तो अब धीरे धीरे सारे ठीक हो गए हैं। तो ये है मेरा गार्डन जो कि इस तरह से चल रहा है मई की तपती गर्मी में। यहाँ पर तो मेरे सारे आपको डेनियम ही देखने को मिलेंगे। ये मैंने रूट स्टॉक के लिए इनको तैयार किया है, नेक्स्ट ईयर मैं इनमें ग्राफ्टिंग करूँगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।